और अलवर के जिला हॉस्पिटल में कैंसर से पीड़ित महिला की मौत हो गई और मां के इंतजार में मॉर्चुरी के बाहर दो दिन से मासूम बैठा है, जिसे देख हर किसी की आंखें नम है। जब सच बेधड़क के संवाददाता ने मासूम से बात की तो नम आंखों से मासूम बोला, मां ने आखिरी समय में पानी मांगा था, पानी भी पिला दिया, फिर वो सो गई। मैंने उन्हें जगाया, वो नहीं जगी। मेरी आंखों के सामने मेरी मां ने दम तोड़ दिया। अब वो कभी नहीं आएंगी, मुझे छोड़कर चली गई है। इतना कहते कहते 10 साल का रोहित रो पड़ा। भाई है बेटा आपका, कोई भाई बड़ा है? कहाँ है वो? कहीं दूर है। उसको कोई मोबाइल नंबर नहीं है? नंबर याद तो भूल गया। अभी माँ के साथ कितने दिन अस्पताल में था तू? 5-6 दिन से। 5-6 दिन से? फिर कोई माँ कब माँ छोड़ गई आपको साथ? कल। कुछ बोल के गई? आप बात कर रहे थे लास्ट टाइम तक, क्या कह रही थी माँ, क्या कर रही? मैंने उनको, उसने पानी मांगा था, पानी भी पिला दिया, फिर वे सो गई। मैंने उसको जगाया, नहीं जगी। फिर मैंने उसको पानी पिलाया, मुंह में रह गया उसी पानी। मुंह में रह गया। उसके बाद से तू हॉस्पिटल में ही है। तो देखिए, दो दिन से इंतजार में मॉर्चरी के बाहर बैठा है मासूम, और इसके पास अब कोई सहारा नहीं है। इसकी माँ कैंसर से पीड़ित थी और फिर महिला की मौत हो गई, और बच्चा जो है रो रो कर बुरा हाल हो गया है इसका। और जब माँ का सर से साया उठ गया है तो इस बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर किया क्या जाए। सो कैंसर से पीड़ित महिला की मौत हो गई है, और 10 साल का रोहित जो है रो रो कर इसकी आंखें भर आई है और आंखें नम हो गई है, और कह रहा है कि अब आगे नहीं पता कि क्या कुछ करना है। शिवचरण हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शिवचरण, क्या कुछ मामला है? आखिर इस बच्चे के पिता कहाँ हैं और इसका पूरी फैमिली कहाँ पर है? मैं आपको बता दूं, बच्चे का जो पिता है वो पहले ही खत्म हो गया करीब 5 साल पहले, और अभी जो है उसकी माँ वो कैंसर से पीड़ित थी, जो अलवर के सामान्य चिकित्सालय में एडमिट थी। अभी उपचार के दौरान माँ का भी देहांत हो गया था, और देहांत हुआ था 17 तारीख को। लेकिन जो नाबालिग बच्चा ये रोहित है, जिसकी उम्र 10 साल है, इसका जो बड़ा भाई है वो एक ढाबे पे मजदूरी करता है खैचल में रहके। अब उसका ना तो इनके पास किसी प्रकार के कोई कांटेक्ट नंबर थे और ना ही उससे कोई संपर्क हो पा रहा था, और बच्चे को इतना अनुभव भी नहीं था कि वो अपने भाई के पास जाए या फिर उसको ये जानकारी हो भाई फला जगह रहता है, वहां वो मैसेज छुड़वा दे। इसलिए माँ के अंतिम संस्कार करने तक की उसके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। 2 दिन से मोर्चरी में शव रखा हुआ था और बच्चा मोर्चरी के बाहर बैठ के और बिलखता रहा। जब ये वाक्या कई लोगों ने देखा तो फिर लोगों ने बताया, तब मीडिया वहां पे गया और मीडिया ने जब ये सारे हालात देखे और ठीक है। शिवचरण, आपका शुक्रिया।